तो आप सभी के सामने एक ट्वीट आप लोगों को दिख रहा है। ये हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट है और इस ट्वीट में फिर से एक बार जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने साबित कर दिया है कि वो न्याय के साथ हैं, सत्य के साथ हैं। और इस ट्वीट को एक बार पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 को निरस्त करने का तथा आगामी 6 माह में इसे पुनः कराने का आदेश दिए गए हैं। यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है और इसमें यह भी लिखा है परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। जो स्टाइल है उसी स्टाइल पे कहा गया है और युवाओं के दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो नजीर बनेगी। तो ये हम सभी के लिए जीत का मोमेंटम है। जो छात्र लगातार संघर्षरत थे, सबसे पहले उन सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। और जितने भी सम्मानीय गुरुजन लगातार लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, उन सब के सफलता का दिन है, उन सब की मेहनत का दिन है, उन सब के कारण से जो है इतना बड़ा जो है ये मोमेंट हुआ है। यदि आप सब नहीं होते तो संभव ही नहीं था कि ये एग्जाम जो है किसी भी तरीके से आयोग जो है इसको निरस्त करता। तो एक बहुत बड़ी मेहनत जो है हमारी सफल हुई है, सार्थक हुई है। और आप सभी लोग अब दम लगा के पढ़िएगा, मेहनत करिएगा और जितना भी टाइम बचा है उसमें पूरी ऊर्जा लगा दीजिएगा। तो आरओ का पेपर आपका निरस्त हो गया है, मतलब आप सोच सकते हैं चैन की सांस ले रहे हैं। 26 फरवरी को 27 फरवरी को दो दिन मैं भी प्रयागराज में ही था, आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन हमारा पूरा प्रयास था। इसमें मीडिया के जितने भी जन हैं, जो मीडिया के बंधु हैं, उन्होंने जितना भी सहयोग किया और जितने भी शिक्षक हमारे लगातार इसमें लगे हुए थे, सभी छात्र जो लगातार लगे हुए थे, हमारी सभी बहनें जो कि वहां पर लगातार थी, सभी छात्राएं, सभी छात्र, सभी का एक बराबर योगदान है। और देखिए अधिकारों की लड़ाई हमें लड़नी होगी, हमेशा लड़नी होगी, इससे हम पीछे नहीं हट सकते हैं। यदि आप अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं और इसको अपने जहन में बांध लीजिए, एक बात अपने दिमाग में हमेशा बांध लीजिए, ये मुंशी प्रेमचंद जी का कोट है। लोग कहते हैं कि आंदोलन, प्रदर्शन और जुलूस निकालने से क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, हम अटल हैं, अपने मैदान से हटे नहीं हैं और अपने हार ना मानने वाले स्वाभिमान का प्रमाण देना है। तो ये होता है, गलत को गलत बोलने के लिए हर हाल में खड़ा होना पड़ेगा, आप पीछे नहीं हट सकते हैं और निश्चित तौर पर जो भी गलत होगा वो पीछे हटेगा। यदि इस पे आवाज नहीं उठाई जाती इतने बड़े स्तर पे, जिन बच्चों ने आवाज उठाई थी उनके ऊपर तो केस तक दर्ज कर दिए गए थे, है ना। इस तरीके का माहौल 26 फरवरी को बनाया गया जैसे कि कोई अपराधी पहुंच रहे हूं वहां पे, शिक्षक ही तो पहुंच रहे थे, छात्र ही तो पहुंच रहे थे, अपनी बात ही तो रखने आए थे, कौन सा लो। इतनी ही शक्ति यदि पेपर वाले दिन हो जाती तो कितना अच्छा होता, लेकिन जो भी है, देर आए दुरुस्त आए, पेपर आपका फाइनली जो है अब री एग्जाम अच्छे से हो, यह सबसे बड़ी चीज है कि री एग्जाम में किसी तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए। आयोग का नोटिस आ जाएगा जल्दी, अभी वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रही है, हो सकता है हैवी ट्रैफिक के कारण से वेबसाइट में समस्या हो, ठीक है। मैं वेबसाइट लगातार ओपन कर रहा हूं, अभी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है आप सभी लोग के कारण, लेकिन अब 100% श्योरिटी है पेपर आपका रद्द हो चुका है। और फिर से एक बार उत्तर प्रदेश सरकार का ये सराहनीय कदम, लेकिन अब आगे से देखो जो भी परीक्षा होती है, अभी देखिए बोर्ड के परीक्षाओं को लेकर के कितना मामला था लगातार इस दौरान, मतलब इतने पेपर लीक हुए, इतने पेपर लीक हुए, इतने पेपर लीक हुए कि समझ ही नहीं आया, जो छवि आयोग की बन चुकी थी वो छवि पूरी के पूरी धूमिल करा दी इस पूरे पेपरों ने। और जिस तरीके का अड़ियल रवैया रहा वो अपने आप में और घातक रहा, ठीक है। तो सभी जितने भी छात्र पहुंचे हैं और सभी का प्रयास, सभी की मेहनत, सभी का रंगत, सभी की आवाज, सब ने मिलकर के एक जीत हासिल की है। अब देखो बच्चों, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, जबरदस्त मेहनत करनी है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए मैं आप सभी के लिए स्पेशल वर्कशॉप सेशन ऑर्गेनाइज करूंगा और इन वर्कशॉप सेशन पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि हमें कैसे पूरी तैयारी करनी है। लगभग 3 दिन का वर्कशॉप सेशन लेकर के आऊंगा और इसमें मैं पूरी डिटेल में आप लोगों की जितनी भी जर्नी है, जितनी भी तैयारी है, उसको बेहतरीन बना दूंगा। तो आप सभी लोग मेरे साथ अब जुड़िएगा, आरओ की जबरदस्त तैयारी करेंगे, पूरे परीक्षा की तैयारी करेंगे और बढ़िया से एग्जाम को इस बार देंगे। इस बार एग्जाम जबरदस्त तरीके से आपको देना है।
17 मार्च को भी आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम है, इसको लेकर के भी बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं कि इस एग्जाम की डेट भी आगे बढ़नी चाहिए और जरूर बढ़नी चाहिए। आयोग को यह भी देखना चाहिए कि जितने बच्चों का समय खराब हुआ ये किसके कारण खराब हुआ, किसके कारण खराब हुआ, ये आयोग की गलतियों के कारण खराब हुआ। 11 फरवरी को के बाद से बच्चे लगातार धरने पे हैं और जिनको इतना, या तो तुरंत डिसीजन लेकर के रद्द कर देते, है ना, लेकिन इतना समय आयोग ने लिया, 2 मार्च तक का समय बच्चों का खराब हुआ। मात्र आपके मुश्किल से मान के चलिए 12-13 दिन और आपके बचे हुए हैं और इतनी कम अवधि में एग्जाम को कंडक्ट कराना, यह निश्चित तौर पे बच्चों के साथ अन्याय होगा जो लगातार धरना स्थल पे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे। तो आयोग इसको भी संज्ञान में ले, लेकिन अभी के लिए डेट आपकी 17 मार्च ही है। अब आपका जो है जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के आप सभी को ध्यान में रखना है। पीसीएस को लेकर के देखो अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, हम 17 लेकर चल रहे हैं, लेकिन आयोग को चाहिए कि आयोग इसमें भी जल्द से जल्द जो है निर्णय ले और इस डेट को भी आगे बढ़ा दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरी डिमांड यही है कि ये डेट आगे बढ़ना चाहिए, डेट आगे बढ़ेगी तभी जाकर के बात बनेगी, ठीक है, डेट आगे बढ़नी चाहिए, डेट आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत हुई है और निश्चित तौर पर हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम है जो आप सभी ने लड़ी, बहुत बड़ी लड़ाई आपने लड़ी। जो बच्चे अभी भी पत्थर गिरजा घर पे बैठे हुए हैं और आज जो है उनके लिए जश्न का दिन है, उनकी मेहनत, जिस तरीके से बारिश में डटे रहना और जिस तरीके से हर परिस्थिति में डटे रहना, ये अपने आप में बहुत खतरनाक था, बहुत शानदार था। आप लोगों की मेहनत और परिश्रम के कारण से सब कुछ संभव हो पाया है, ठीक है। सुनील कुमार जी कह रहे हैं सर इस अभियान में सबसे अच्छी बात यह रही कि इसमें टीचर और स्टूडेंट सब साथ में थे बिना पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल, इसमें छात्र, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि छात्र और शिक्षक का संबंध बहुत पवित्र है और हमेशा हर समस्या में यदि एक दूसरे के साथ सब खड़े रहे तो कोई भी समस्या का निदान निकाला जा सकता है। और देखिए 26 फरवरी का जो पूरा दिन था उसने बहुत दबाव ला करके खड़ा कर दिया। आयोग ने उसी दिन मतलब क्लियर हो गया था कि 26 फरवरी में बड़ी संख्या में छात्र भी पहुंचे, शिक्षक भी पहुंचे। निश्चित तौर पे आयोग ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि बहुत सारे छात्र जो है शिक्षकों से मिल नहीं पाए, शिक्षक नहीं पहुंच पाए, सबको नजरबंद कर दिया गया, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस 24 घंटे हमारे पीछे लगी रही। मैं स्वयं 26 और 27 दो दिन प्रयागराज में रहा, लेकिन उसका असर यह रहा कि जिसका परिणाम यह निकल के आया, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है इस पूरे पेपर को और शासन के द्वारा पूरे पेपर को संज्ञान में लिया गया था और उसका परिणाम आज आपको तुरंत ही मिल गया, ठीक है। एक बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी जीत है। तो ये एक मुद्दा तो था ही। केसीएस इंस्टीट्यूशन बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पीसीएस अभी 17 तारीख को ही है, देखो इसको लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए इसको भी। सुनीता सागर जी 5 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च को आपका जो पीसीएस का वर्कशॉप सेशन है और आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी के चैनल पर ही रहेगा ये वर्कशॉप सेशन, तो इस वर्कशॉप सेशन से जरूर जुड़िएगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी मैं आप सभी के लिए पूरी नई रणनीति के साथ पूरी तरीके से हम लगेंगे और आरओ एग्जाम को भी हम क्वालिफाई करेंगे इस दिशा में, कल से ही प्रयास करेंगे, कल से हमारे वर्कशॉप सेशन स्टार्ट हो जाएंगे समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को, ठीक है। आरओ के लिए हम शानदार तैयारी आगे चल के करेंगे, बढ़िया से चीजों को लेकर करेंगे। चलिए, तो आज का दिन बहुत शानदार था, बहुत बढ़िया था और बहुत अच्छा लगा। मतलब ये मेरी क्लास शुरू होने के साथ ही ये न्यूज का आना, 2 मिनट पहले का, जैसे क्लास स्टार्ट हुई है 6 बजे, उसी के टाइम पे ये आपका 6 बजे के आसपास ही ट्वीट आ गया है और इस ट्वीट से स्पष्ट हो गया है कि स्थिति अब आपकी ठीक है। तो जश्न का टाइम है भाई, आप लोग सभी लोग जश्न मनाइए और पढ़ाई करना है, ठीक है, पढ़ाई करना है। आयोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आयोग ने संज्ञान में ली चीजों का, है ना, आयोग ने संज्ञान में भी लिया, शासन ने संज्ञान में लिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए,